रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है सुग्रा के किचन में। मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी तकरीबन एक हफ्ते से, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। तो आज हम अभी मेरी कुछ तबीयत बेहतर हुई है तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग भी मैंने कहा मिस कर रहे होंगे, तो चलिए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आज हम क्या बनाते हैं ये आप, तो आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। ये हमने ले लिए बाजू, मुर्गी के बाजू ले लिए, ये तकरीबन एक किलो है ये हमने ले लिए। और ये हमारी आ गए टमाटर, ये भी आधा किलो है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो इनको हमने चॉप कर लिया है छिलका उतार के। उसके बाद ये हमारा हरा धनिया है, और ये हमारी हरी मिर्च है, एक हरी मिर्च है, और एक इंच का अदरक का टुकड़ा है वो हमने स्लाइस में काट लिया। और ये हमारी सात हरी मिर्चें हैं, ये एक चम्मच हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है। और उसके बाद ये आ गए हमारे मसाले, ये एक चम्मच हमारी लाल मिर्च है कुटी हुई है, और एक चम्मच हमारा नमक है, और ये आधी चाय की चम्मच ये हमारी सूखा धनिया है, और ये आधी चाय की चम्मच ये हमारी काली मिर्ची है, और उसके बाद ये आधी चाय की चम्मच हमारी ये गरम मसाला है, और ये थोड़ी सी मेथी है, और उसके बाद ये एक चाय का चम्मच हमारी हल्दी है, और ये हमारी तकरीबन एक प्याली है ये हमारी दही है, ये हमने इसमें शामिल करने के लिए हमने दही लिया। और ये सिंपल सी है, हमने ज़्यादा मसाले मसाले कुछ भी नहीं ले रहे, सिंपल बहुत ही मज़ेदार हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमने ऑन कर लिया था और कढ़ाई चढ़ाई हुई है, तो ये अब हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन एक कप डाल देंगे। और आप लोगों को ये भी बता दें कि हमारे यहाँ गैस नहीं आ रहा, इधर पीछे रोड टूट रहा था तो हमारा गैस उन्होंने पाइपलाइन पूरी ख़राब कर दी है, तो आज एक हफ्ता हो गया उन्होंने ठीक भी नहीं की। हमने फिर सिलेंडर लिया है, अभी इस पर हम लोग रेसिपी बना रहे हैं। ऑयल शामिल कर दिया था, तो अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, ये चिकन का पानी भी है तो हम एहतियात से इसको डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह हमने चिकन डाल दी थी, तो चिकन हमारी फ्राई हो रही है, कलर चेंज हो चुका है। तो अभी इस सिलेंडर पर हमें मुश्किल हो रही है, पहली दफ़ा हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा डर हो रहा है। बहरहाल हम बना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी हमारी चिकन जो है वो थोड़ी फ्राई हो चुकी है, तो हम इसमें अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चिकन जो है वो अदरक लहसुन हमने शामिल कर दिया था, तो उसके साथ इसकी भुनाई हो चुकी है। ये देखें ये भी तेल हो चुकी है, तो अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे और फिर दही शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसाले हम लोग शामिल कर देंगे, तो मसाले हमने शामिल कर दिए थे, तो अब हम टमाटर डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं, तो साथ साथ आप लोगों को मैंने आज नहीं बोला कि जल्दी से जाके चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ व्यूअर्स वीडियो देखा करें और लाइक और शेयर किया करें अगर अच्छी लगे तो। तो ये हमारी जो चिकन कढ़ाई है यार बन रही है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत सिंपल रेसिपी है, इसमें ज़्यादा मसाले वसाले कुछ नहीं है, बस बहुत अच्छी बनती है, और प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर हमने शामिल कर दिए थे, तो अभी थोड़ा टमाटरों का भी पानी है, तो अब हम इसमें दही भी शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा दही हम इसमें डाल देंगे, और फिर हरी मिर्चें डाल के और इसको ढक देंगे ताकि ये हमारा चिकन जो है। तो देखें हमने हमारी कढ़ाई जो है वो मुश्किल हो रही थी हमें यूज़ करने में, तो हमने चेंज कर लिया, हमने देसी में डाल दिए। तो अब हम इसमें हरी मिर्ची शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ी देर से ढक के फिर हम इसको पकाते हैं,
हमारी मुर्गी तो बिल्कुल गल चुकी है, मगर थोड़ी सी और गल जाए तो हम इसको ढक के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारी चिकन जो है वो तकरीबन रेडी है, बिल्कुल बहुत अच्छे से गल चुकी है, मगर हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और 5 मिनट के लिए, 5 मिनट से 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे, हल्के चूल्हे पर थोड़ी देर रखेंगे और फिर हम शॉर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ढक दिया था, तो अभी हम ढक्कन उठा के जो हमने हरी मिर्चें और थोड़ा अदरक काट के रखा था वो भी हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि उनका भी टेस्ट इसमें शामिल हो जाए। तो फिर ये हम डिश आउट करते हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो चिकन है, चिकन कढ़ाई, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत जल्दी बन जाती है, 15-20 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है, अभी हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमने डिश आउट कर ली है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी चिकन कढ़ाई बन गई है, साथ में हमने सैलेड भी बना लिया है, तो बहुत इजी है, 10-15 मिनट में बन जाती है। मेहमान आ जाए अचानक तो बंदा सोचता है क्या बनाए क्या बनाए, तो ये बहुत जल्दी बनने वाली है और बिल्कुल घर के मसालों में बनने वाली है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और अभी रेसिपी ट्राई करने के लिए बच्चे नहीं हैं, बच्चे गए हुए हैं बाहर, तो इसलिए अभी आज वो नहीं ट्राई कर सकेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बहुत अच्छी बन चुकी है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में प्लीज़ मुझे भी याद रखा करें और मेरे लिए दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला सेहत दे, बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी, आज भी बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है। और बाकी आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रख के सेहत दे, खुश रहें। और बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए अभी सुगरा किचन से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।